हेलो दोस्तों, मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं एन इंडियन यूट्यूबर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि IRCTC के ज़रिए रेलवे टिकट कैसे बुक किया जाता है। आज हम आपको मोबाइल के ज़रिए IRCTC की वेबसाइट से मोबाइल ऐप के द्वारा आपको टिकट बुक करना सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाना है और प्ले स्टोर पर जाकर IRCTC का ऐप डाउनलोड कर लेना है। चलिए, मैंने ऑलरेडी कर रखा है और लॉगिन हुआ हूँ। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा और आपके पास में ये ऑप्शन दिखाई देंगे, जहाँ से आपको यात्रा करनी है उस जगह का नाम डालना है। चलिए, मैं नाम डाल देता हूँ और जिस जगह आपको जाना है उस जगह का नाम डालना है और डेट सेलेक्ट कर लेनी है। चलिए, मैं यहाँ पर अपनी डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद में सर्च ट्रेन पर ओके कर देंगे। यहाँ देखिए, हमारे पास बहुत सारी ट्रेनों की लिस्ट खुलकर आ गई है। आपको जो उन से भी पसंद आए आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, मैं यहाँ पर इस वाली गाड़ी में चेक कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये सब वेटिंग में हैं और इस गाड़ी में चेक करते हैं यहाँ पर अवेलेबल है। चलिए, हम यहाँ पर इसे बुक करते हैं। इसका फेयर आपको दिखाई दे जाएगा 200 से 270 रुपये और GST प्लस में 10-12 रुपये और आगे बढ़ जाता है। पैसेंजर डिटेल पर क्लिक करेंगे, आई एग्री करेंगे और ये प्रोसेसिंग होएगा। प्रोसेसिंग होने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। चलिए, हम यहाँ पर ये फिलअप कर देते हैं पैसेंजर डिटेल्स को। यहाँ जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ अपनी बर्थ प्रेफरेंस में सेलेक्ट कर लेंगे आपको कौन सी चाहिए, बीच की, अपर की, साइड लेवल की। चलिए, मैं नो प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऐड पैसेंजर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। और फिर इसके बाद में आपको कंसाइंडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, इन दोनों पर टिक मारना है। इन पर टिक क्यों मारा जाता है, मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा। फिर ये पेमेंट मोड पे आना है। पेमेंट मोड पे आप GST इस पर लगती है। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। इस पर 15+ GST चार्ज लगता है। और पे अगर भीम UPI के द्वारा अगर पेमेंट करते हैं 10+ GST चार्ज लगेगा। चलो, हम इस पर ही क्लिक करते हैं। भीम UPI के द्वारा हम पेमेंट करेंगे। ट्रेवल इंश्योरेंस के लिए यस या नो करेंगे। रिव्यू जर्नी डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। देखिए, वैलिड मोबाइल नंबर मांग रहा है यहाँ पर, हम जैसे इसे दे देते हैं और इस तरीके से लोडिंग होने लगा है। ये देखिए, हमारे सामने इस तरीके का कुछ ऑप्शन खुल के आएगा और यहाँ पर ये हमारी लोकेशन भी दिखा देगा, दिल्ली से अजमेर के लिए कितने बजे हमारी ट्रेन निकलने वाली है और कितने बजे पहुंचेगी। पैसेंजर की डिटेल्स दिखा देगा। चलिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे, यस करेंगे और ये लोडिंग होने लगेगा। और इसके बाद में हमारे सामने पेमेंट पे ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे चाहें तो पेटीएम वगैरह, रिजोर पे, फ़ोन पे ऐसे भी कर सकते हैं या भीम पे UID के द्वारा भी, UPI के द्वारा भी आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। चलिए, थोड़ा सा प्रोसेस हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए, इस तरीके का ये पेज खुल कर आ गया है। आप यहाँ पर अपना नंबर डायरेक्ट डालकर पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं या UPI के द्वारा आप यहाँ अपनी UPI ID डालकर यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने ईमेल पर आपका टिकट भेज दिया जाएगा और टिकट को आप फिजिकली ले जा सकते हैं या मोबाइल फ़ोन में भी आप TT को दिखा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर इसमें इस वीडियो में कोई कमी या खामी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे लिख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।